तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये लास्ट वीडियो कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोर कैसे ट्रांसफॉर्म होता है एक कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन में। सिमिलरली हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे कि एक फंक्शनल मेगास्पोर, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ दिया था कि मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं, उसमें से एक फंक्शनल मेगास्पोर कैसे ट्रांसफॉर्म होगा एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट में या एम्ब्रायो सैक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते चले आ रहे हैं, कि पहले हम लोग पिछले वीडियो के टॉपिक को रिवाइज करते हैं ताकि हम लोग इस वीडियो में उन बातों को अच्छी तरीके से लिंक कर सके फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं एक सिंगल मेगा स्पोरेंजियम की बात कर रहा हूं, एक सिंगल ओव्यूल की बात कर रहा हूं, देन देयर विल बी अ सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर एक मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें सिर्फ एक ही मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी, जिसमें मियोसिस होगा तो चार डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी एंड दे वर टर्म्ड एज मेगा स्पोर्स। उन सारी डॉटर सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेगा स्पोर। चार मेगा स्पोर्स बनते थे जो कि लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज होते थे इन मेगा स्पोर टेट्राड। तो मैंने ये कहा कि एट द एंड ऑफ मियोसिस देयर विल बी फोर मेगा स्पोर्स इन अ सिंगल मेगा स्पोरेंजियम। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आउट ऑफ ऑल दीज फोर मेगा स्पोर्स, तीन मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो जाते थे माइक्रोपाइलर एंड साइड में एंड अ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट, अ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट और वी कैन से इनटू एन एम्ब्रायो सैक। तो मैंने ये कहा कि एक मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल के अंदर एक मेगा स्पोर मदर सेल होगी, मियोसिस होगा इसमें तो चार मेगा स्पोर्स बनेंगे और चार में से तीन डीजनरेट हो जाएंगे और चलाजल एंड पे या पोल पे एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर प्रेजेंट होगा एंड अ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर प्रेजेंट एट चलाजल एंड इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि ये जो कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट है या एम्ब्रायो सैक है, ये एक सिंगल मेगा स्पोर से बनेगा। और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनते थे और सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स फंक्शनल होते थे और सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे ऑन मैचुरेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एन एंथर। तो वहां पे बहुत सारे मेल गैमेटोफाइट बनते थे, पॉलन ग्रेन्स बनते थे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपको यह समझ में आना चाहिए कि मेल गैमेटोफाइट दैट इज पॉलन ग्रेन के अंदर बनते थे दो मेल गैमेट्स। अगर आपको याद हो 40% ऑफ प्लांट स्पीसीज में, एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में थ्री सेल स्टेज में जब शेडिंग होती थी पॉलन ग्रेन की, तो उसमें ऑलरेडी दो मेल गैमेट्स बने हुए होते थे एक पर्टिकुलर मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन के अंदर। तो हमको यह समझ में आ गया है कि गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं गैमेट, मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, इसी तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनेगी फीमेल गैमेट, इसके अंदर बनेगी फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को मैं बोलूंगा आगे चल के एग और एग शेल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये गैमेट फीमेल गैमेट है तो इसको मैं एक और नाम दे सकता हूं, दैट इज मेगा गैमेट। इसको मैं बोल सकता हूं मेगा गैमेट। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं गैमेट के आगे ये टर्म क्यों यूज कर रहा हूं मेगा। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो यूज करते हैं मेल्स के रेफरेंस में और मेगा टर्म यूज करते हैं फीमेल्स के रेफरेंस में। तो मेल गैमेट को मैं माइक्रो गैमेट बोल सकता हूं, फीमेल गैमेट को मैं मेगा गैमेट बोल सकता हूं।
क्योंकि ये कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होगी, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, मेगा गैमीट, क्योंकि ये लार्जर है, इस बात को इंडिकेट करने के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात एक मैं आपको बताऊं, अगर फर्स्ट चैप्टर में हमने कई बार आपको बताया था कि मेल या फीमेल गैमीट के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज गैमिटोजेनेसिस। स्पर्म बनता था तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनता था तो ओजेनेसिस बोलते थे, लेकिन सिर्फ अभी हमको एक बेसिक या जनरल टर्म समझना है कि गैमिटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, गैमीट के बनने की प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस बोलेंगे। तो मेल गैमीट को हम माइक्रोगैमीट बोल रहे हैं, तो माइक्रोगैमीट बनने की प्रोसेस को माइक्रोगैमिटोजेनेसिस बोल सकते हैं, दैट इज सिंपल। इसी तरीके से फीमेल गैमीट्स को अगर हम मेगा गैमीट बोल रहे हैं, तो मेगा गैमीट के बनने की प्रोसेस को क्या बोल देंगे, मेगा गैमिटोजेनेसिस। तो वही टर्म, एक सिंपल टर्म आपके सामने मैंने लिख रखा है, दैट इज मेगा गैमिटोजेनेसिस। मेगा गैमीट यहाँ पे एक समझ सकते हैं आप कि एक ये बात लिखी हुई है, आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, मेगा गैमीट आपको समझ में आ गया होगा कि मेगा गैमीट ये है, मेगा गैमीट। और जेनेसिस का मतलब, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, कई बार मैं बता चुका हूं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमीट, जिस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ गैमीट को गैमिटोजेनेसिस, सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमीट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा गैमिटोजेनेसिस। दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म मेगा गैमिटोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमीट, और वी कैन से इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। तो हम मेगा गैमिटोजेनेसिस की एक सिंपल डेफिनेशन समझ गए हैं कि मेगा गैमिटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमीट्स, दैट इज फीमेल गैमीट्स। या फिर अगर हम बुक की लैंग्वेज की बात करें, तो बुक में इसी चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट फीमेल गैमिटोफाइट। तो कंप्लीट फीमेल गैमिटोफाइट के डेवलपमेंट को हम मेगा गैमिटोजेनेसिस कैसे बोल रहे हैं, ये मेगा गैमिट इस स्ट्रक्चर में बन रहा है, तो एक डेवलपिंग फीमेल गैमिटोफाइट या डेवलपिंग एम्ब्रायो साइट के अंदर ही तो डेवलप होगा मेगा गैमिट। तो अगर हम ये बोले कि मेगा गैमिट बनने की प्रोसेस को मेगा गैमिटोजेनेसिस बोल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली ये भी तो बोल सकते हैं कि फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रायो साइट के डेवलपमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, मेगा गैमिटोजेनेसिस, बिकॉज कि इस फीमेल गैमिटोफाइट के डेवलपमेंट के टाइम पे ही उसके अंदर ये फीमेल गैमीट या मेगा गैमीट बनेगा या बनेगी कह सकते हैं। तो हम एक दूसरी डेफिनेशन एक लिख सकते हैं बहुत सिंपल, कि मेगा गैमिटोजेनेसिस इज बेसिकली डिफाइंड एज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट और एम्ब्रायोसाइट फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर। तो एक फंक्शनल मेगा स्पोर से कंप्लीट फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रायोसाइट के डेवलपमेंट को मैं क्या बोल रहा हूं, मेगा गैमिटोजेनेसिस। तो एक बार आखिरी टाइम में मैं रिवाइज करा रहा हूं, मेगा गैमिटोजेनेसिस किसको बोलेंगे, मेगा गैमिटोजेनेसिस सिंपली हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा गैमीट, या फिर अगर और अच्छी लैंग्वेज में इसको हम बोलना चाहें तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट और डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो सैक। तो एक कंप्लीट फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगा गैमिटोजेनेसिस, इसलिए क्योंकि इसके अंदर ही बनेगी मेगा गैमीट। तो एक सिंपल बात हमको ये समझ में आ गई इसके डेफिनेशन के टर्म में कि हम मेगा गैमिटोजेनेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, मेगा गैमिटोजेनेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मैं एक पॉइंट और आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो कंप्लीट गैमिटोफाइट है, दैट इज फीमेल गैमिटोफाइट और वी कैन से कंप्लीट एम्ब्रायो सैक, ये फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रायो सैक जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये डेवलप हो रहा है एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से, एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से। तो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मी प्लांट, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मी प्लांट में यही कंडीशन होती है कि एक सिंगल, मैंने आपको बताया कि 80% मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट स्पेसीज की अगर मैं बात करूं तो
ऑलमोस्ट 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है केवल एक सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर से. द मीन इज दैट आउट ऑफ दीज फोर मेगा स्पोर्स अ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर इज अ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट. और वी कैन से a single functional megaspore is responsible for the development of a complete female gametophyte because since a single functional megaspore is responsible for the formation or development of a complete female gametophyte, the development of female gametophyte in majority of angiospermic plant species is मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्यों बोल रहा हूं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चार हमारे पास मेगा स्पोर्स बन रहे हैं एक मेगा स्पोर मदर सेल से, तीन डिजनरेट हो जा रहे हैं, एक मेगा स्पोर हमारे पास फंक्शनल है. तो वन यहां पे सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर को इंडिकेट करने के लिए मैंने यहां पे टर्म लिखा है मोनो. तो एक सिंगल स्पोर से या सिंगल मेगा स्पोर या सिंगल स्पोर से अगर पूरा गैमेटोफाइट बनेगा तो हम डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक. फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक सिंगल स्पोर से एक सिंगल मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर या फिर कह सकते हैं एक सिंगल मेगा स्पोर से कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है तो ऐसे डेवलपमेंट को मैं बोलूंगा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज ऑलमोस्ट 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में complete female gametophyte is developed from a single spore so that the development will be termed as monosporic development. Development ko main kya bol raha hu, monosporic development. Ek general knowledge wala point aap aur yaad kar sakte hain ki ek plant mein isko pehli baar observe kiya tha usko hum log bolte hain polygonum. Polygonum ye polygonum plant mein pehli baar observe kiya gaya tha. To teen important baatein humne sikhi कि मेगा गैमेटोजेनेसिस हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट और एन एम्ब्रायो फ्रॉम फंक्शनल मेगा स्पोर सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर एंड बिकॉज सिंस अ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज इज मोनोस्पोरिक. मोनोस्पोरिक और फर्स्ट टाइम ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देखा गया एक पर्टिकुलर प्लांट में जिसका नाम मैंने आपको बताया, इट इज पॉलीगोनम. क्या है ये पॉलीगोनम? तो बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करने क्या वाले हैं कि मेगा स्पोर का डेवलपमेंट समझने वाले हैं, या फिर सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हम ये सीखेंगे कि एक फंक्शनल मेगा स्पोर कैसे एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है. हाउ डज अ सिंगल functional megaspore is getting transformed into a complete female gametophyte. This is the particular topic of discussion. तो हम लोग ये particular topic आज discuss करेंगे कि एक functional megaspore कैसे transform होता है complete female gametophyte में. और complete female gametophyte या female gametophyte को मैं एक और नाम दे रहा हूँ in case of angiospermic plant, it is embryo sac. तो इसको मैंने बोला embryo sac. तो इतनी सी बात को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो हमने याद किया लर्न करने वाली बातें थी, लेकिन ये फुली कॉन्सेप्चुअल बातें हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर कुछ एक दो नया पॉइंट मैंने आपको बताया. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल तो हमको लर्न ही करना है, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये प्रोसेस पहली बार देखी गई कौन से प्लांट में, पॉलीगोनम में. पॉलीगोनम में तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगा स्पोर. तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट की एक मेगा स्पोर से सेल से. तो मैं ये आपके सामने एक मेगा स्पोर सेल बना रहा हूं, एक मेगा स्पोर सेल है जो कि ऑलमोस्ट इलिप्सॉइड होती है. तो मैंने एक मेगा स्पोर आपके सामने बनाया, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है इसका शेप क्या है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. इलिप्सॉइड होता है, नियर टू इलिप्सॉइड होता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं जरूरी है. उससे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि मेगा स्पोर भी माइक्रोस्पोर की तरह एक सेल है जो कि प्लांट सेल है. तो कोई भी सेल हो, हमने आपको बताया था कि ज्यादातर जो लिविंग सेल हैं सेंटर में यहां पे प्रेजेंट होगा उसका न्यूक्लियस. अगर वो एनिमल सेल है
और चूंकि जो प्लांट सेल होती हैं और न्यूली बॉर्न प्लांट सेल में वैक्यूलेशन नहीं होता है, वैक्यूल्स या वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है, वैक्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है लेटर ऑन बाद में, तो इस वजह से इनिशियली जो नई सेल होती है प्लांट की उसमें भी न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एट द सेंटर प्रेजेंट होता है वो। हालांकि अलग बात है जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाती है उसमें वैक्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और वैक्यूल ऑलमोस्ट सेंटर पे प्रेजेंट होता है, सिंगल सेंटर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है एट पेरीफेरी और ये कॉम्प्रेस होकर के लेंस शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत बेसिक बात है जो सेल बायोलॉजी में 11th क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके होते हैं। तो अभी चूंकि ये नई सेल है, अभी ये मेगा स्पोर मदर सेल से बनी है तुरंत तुरंत मियोसिस के थ्रू, तो ये नई सेल होगी जिसमें वैक्यूल नहीं होगा, जिस वजह से सेंटर पे ऑलमोस्ट एट द सेंटर प्रेजेंट होगा इसका न्यूक्लियस। और इस सेंटर पे प्रेजेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे सेल ऑर्गेनेल्स या सेलुलर कंपोनेंट्स, और इस साइटोप्लाज्म को सराउंड करेगी एक यूनिवर्सल लेयर जो कि हर एक लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है, वो चाहे जहां की भी लिविंग सेल हो, अगर वो सेल लिविंग है तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाई अ यूनिवर्सल सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक सिंपल सी बात हमने समझी यहाँ पे कि एक ये सेल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंगल सेल और इसमें कितने न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन न्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड टेक्निकली लिखना चाहिए, लेकिन मैं वन न्यूक्लिएटेड लिखा हूं, इसकी सिग्निफिकेंस अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सिंगल सेल या वन सेल और ये वन न्यूक्लिएटेड या यूनिन्यूक्लिएटेड है, और इसका जो न्यूक्लियस है ये हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड, हैप्लॉयड होगा, क्योंकि जो मेगा स्पोर्स बनी है चार ये ड्यू टू मियोसिस प्रोड्यूस हुई हैं या थ्रू मियोसिस प्रोड्यूस हुई हैं, तो पोलॉइडी ऑफ डॉटर सेल विल बी हैप्लॉयड। कैसे होंगे हैप्लॉयड, इनके सारे के सारे क्रोमोसोम सिंगल सेट में अरेंज होंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि ये एक सिंगल सेल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोर बोल रहे हैं, मेगा स्पोर बोल रहे हैं, और ये सिंगल या कह सकते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड या वन न्यूक्लिएटेड है, और इसका न्यूक्लियस कैसा है हैप्लॉयड है, न्यूक्लियस कैसा है हैप्लॉयड, यानी कि ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस कैसा होगा हैप्लॉयड होगा, कैसा होगा हैप्लॉयड होगा। अब ये नरिशमेंट लेता रहेगा न्यूसेलर सेल से, क्योंकि आपको पता है कि ये मेगा स्पोर मदर सेल से बनी है, वो कहां से बनी है स्पोरोजिनस सेल से, स्पोरोजिनस सेल आर्किस्पोरियल सेल से, और आर्किस्पोरियल सेल ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ न्यूसेलर सेल्स होती हैं। तो हमने बताया था आपको बहुत सारी न्यूसेलर सेल्स पैरेन्काइमेटर सेल्स में से एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, जिसको हम आर्किस्पोरियल सेल बोलेंगे, वो इवेंचुअली बनाएगी मेगा स्पोर मदर सेल, और बची हुई जो पैरेन्काइमेटस न्यूसेलर सेल्स होती हैं वो नरिश करना शुरू कर देती हैं इस आर्किस्पोरियल सेल या मेगा स्पोर मदर सेल, या फिर इस मेगा स्पोर को कह सकते हैं, या डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को। इन सारे स्ट्रक्चर को नरिशमेंट देने का काम किसका होता है, न्यूसेलर सेल्स का। तो वहां से ये नरिशमेंट लेती रहेगी, सेल धीरे धीरे ग्रो करती रहेगी, लार्ज होती रहेगी, इसके अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता रहेगा, और आपको पता है कि एन बाई सी रेशियो दैट इज न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, सेल तुरंत डिसाइड करती है कि डिवाइड करके एक से कितनी हो जाएगी दो, क्योंकि अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा जिसको एक सिंगल न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा, तो सेल हैज टू बी डिवाइड, सेल क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी टू जस्ट कंट्रोल दिस डेफिनेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर वहां से ढेर सारा न्यूट्रिशन लेती रहेगी ये सेल, तो आपको पता है कि ये सेल डिवाइड करना सोचेगी, क्योंकि साइटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, तो सेल में क्या होगा डिवीजन होगा। और आप मेनली जानते हैं कि सेल डिवीजन दो ही तरीके का होता है, मेनली मैंने बोला, ये नहीं कि सेल डिवीजन सिर्फ दो तरीके का होता है, नहीं, सेल डिवीजन हमारे कोर्स में जो है वो मेनली दो ही टाइप का है, वन इज माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कहां मियोसिस और कहां माइटोसिस होगा, तो आप इस बात को बिल्कुल सेंस कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल में कौन सा सेल डिवीजन होगा। ये सेल है हैप्लॉयड, न्यूक्लियस है हैप्लॉयड, तो डेफिनेटली यहां पे कौन सा सेल डिवीजन होगा माइटोसिस। तो देयर इज गोइंग टू बी अ
मल्टीपल और रिपीटेटिव माइटोसिस, बहुत सारी एक के बाद एक, एक के बाद एक माइटोसिस होती रहेंगी, लगातार सक्सेसिव माइटोसिस होती रहेंगी, एंड दोज माइटोसिस आर ऑफ वेरी स्पेशल टाइप। जो माइटोसिस यहाँ पे एक के बाद एक होने वाली है इस मेगा स्पोर में, वो बहुत स्पेशल टाइप की माइटोसिस होने वाली है। पहली चीज तो बेसिक बात आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस हो, मियोसिस हो, उससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट दो बातें तो आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होना चाहिए, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस। लेकिन यहां पे तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। हमने आपको बताया कि इसमें जो स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होने वाला है उसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगी, लेकिन उसके तुरंत बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। द मीन इज दैट द माइटोसिस विच इज गोइंग टू बी अकर हियर इज नॉट इन विच द माइटोसिस विच इज गोइंग टू बी अकर हियर कैरियोकाइनेसिस ऑफ दिस माइटोसिस is not immediately followed by the cytokinesis। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो माइटोसिस इसमें होने वाली है उसमें कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिवीजन इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा या डिवाइड नहीं होगा। और ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस को यहां पे एक्सक्लूसिवली मैं एक टर्म दे रहा हूं, दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अभी मैं इस पे दोबारा से वापस आऊंगा, व्हाट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मैं इसको डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी आपको एक बेसिक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लोइड मेगा स्पोर है इसमें होगी माइटोसिस, और माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस तो तुरंत हो रही है लेकिन उसके जस्ट बाद क्या नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। और इस स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस को मैं एक नाम दे रहा हूँ, दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, मल्टीपल माइटोसिस होने वाली है, और इस माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, और मैं इस माइटोसिस या सेल डिवीजन को एक पर्टिकुलर नाम दे चुका हूँ, दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और इस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैरियोकाइनेसिस तो तुरंत हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, दो न्यूक्लियाई। तो एक न्यूक्लियाई से कितने न्यूक्लियाई बन जा रहे हैं यहाँ पे, एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियाई बन जा रहे हैं, दो न्यूक्लियाई। और मेरे कहने का मतलब ये है, एट द एंड ऑफ माइटोसिस टू न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस बनेंगे, लेकिन आपको पता है कि आप सेल मैच्योर भी कर रही होगी तो यहाँ पे वैक्यूल बनने लगेंगे, और वो वैक्यूल यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर पे प्रोजेक्ट होंगे, तो इस वैक्यूलेशन और वैक्यूल के एनलार्जमेंट की वजह से दीज टू न्यूक्लियस विल मूव टूवर्ड द अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो जस्ट अगली डेवलपमेंट की स्टेज अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो ये हो गया आपका एलिप्सॉइड एम्ब्रायो सैक, और इस एलिप्सॉइड एम्ब्रायो सैक के अंदर यहाँ पे चारों तरफ होगा इसका साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे जो एक सिंगल न्यूक्लियस था, ये डिवाइड हो गया, कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियाई, और ये न्यूक्लियाई इस पोल की तरफ और ये न्यूक्लियस इस पोल की तरफ मूव करने लगा। यानी कि अगर आप फाइनल पिक्चर देखेंगे तो एक न्यूक्लियस कहीं यहाँ प्रेजेंट होगा एंड द सेकेंड न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट somewhat over here, यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, लेकिन हमने कहा कि ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी इस माइटोसिस में, कैरियोकाइनेसिस हुई है लेकिन क्या नहीं हुई है, साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है। और जो दो न्यूक्लियाई बने हैं माइटोसिस से, वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं, कोई माइक्रोपाइलर पोल होगा, कोई चलाजल पोल होगा, अभी उसमें मैं दोबारा से वापस आऊंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि यहाँ पे एक सेल थी, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर की एक सेल है, यानी कि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं अभी भी वन सेल्ड स्टेज है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस कितने हो गए हैं, दो।
यहां कितने थे एक, तो मैं ये कहूंगा ये टू न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी। तो मैंने ये बात आपको बताई दो इंपॉर्टेंट कि ये जो स्टेज है डेवलपमेंट की ये सिंगल सेल्ड एंड टू न्यूक्लिएटेड स्टेज है, सिंगल सेल्ड एंड टू न्यूक्लिएटेड स्टेज है। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एक के बाद एक माइटोसिस होने वाली है, एक के बाद एक स्पेशल माइटोसिस होने वाली है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहा हूँ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहा हूँ। तो जैसे ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था, केवल कैरियोकाइनेसिस हुई थी, एक से दो न्यूक्लियर बन गए थे, इसी तरीके से इसमें भी क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी जिसमें तुरंत साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियर इस पोल पे बन जाएंगे, और फिर इसमें भी एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियर बन जाएंगे इस पोल से, यानी कि कैरियोकाइनेसिस विल अकर ओवर हियर व्हिच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस और डिवीजन ऑफ साइटोप्लास्ट। तो अगले स्टेज में अगर हम देखें, यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस हुई, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, एंड आफ्टर सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देयर आर फोर न्यूक्लियाई। यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई दिखेंगे आपको, फोर। तो ये रहा आपका एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड मेगास्पोर, और इसके अंदर यहां पे प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, एक पोल पे दो न्यूक्लियाई, एक ये, एक ये। सिमिलरली इस पोल पे भी दो न्यूक्लियाई आपको दिखाई देंगे, एक ये और एक ये, अभी भी एक सिंगल सेल ही है, यानी कि ये सिंगल सेल्ड स्टेज है या वन सेल्ड स्टेज है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर आप काउंट करें 1 2 3 4, तो ये फोर न्यूक्लिएटेड, फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज बोला जाएगा डेवलपमेंट का। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टफ है आपके लिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे, दोबारा न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एक से दो यानी कि दो से कितने, चार हो जाएंगे, और फिर करेगा तो चार से कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, तो आठ बना देते हैं। तो अगले स्टेज में अगर हम देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये हो गया आपका एलिप्सॉइड मेगास्पोर, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा, बीच में यहाँ पे आपका वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका, लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और ये डिवाइड करेगा तो एक से दो, यानी कि एक न्यूक्लियाई ये, एक न्यूक्लियाई ये डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगी तो इससे भी कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, दो, यानी इस पोल पे टोटल फोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, और इसमें भी न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियाई से कितने न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे हैं, दो। फाइनली ये न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाएगा और इस पोल पे भी कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, चार। तो अभी अगर इस सेल को देखेंगे आप तो इसमें भी एक ही सेल पूरे स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ब्लू कलर वाले को अगर आप देखेंगे, यानी कि ये भी सिंगल सेल्ड स्टेज होगी, यानी वन सेल्ड स्टेज है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियर अगर आप काउंट करेंगे 4 + 4 कितने हो गए, 8, यानी 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी ये डेवलपमेंट की। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रायो सैक। तो हम इसको एम्ब्रायो सैक के डेवलपमेंट की सिंगल सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बोल सकते हैं, After the completion of third free nuclear division or mitosis. तीसरी बार जब mitosis होगा तो ये single celled 8 nucleated stage आएगी किसकी, embryo sac की। तो इसको हम single celled 8 nucleated embryo sac बोल सकते हैं, या फिर इसको हम 8 nucleated megaspore भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं development of embryo sac, तो इसके developmental stage को हम लोग एम्ब्रायो सैक की स्टेज बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग एम्ब्रायो सैक के रेफरेंस में कोडिंग कर सकते हैं, या फिर अभी ये कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है एम्ब्रायो सैक, तो इसको अभी हम एक मेगा स्पोर ही कंसीडर कर सकते हैं। तो चाहे इसको हम
सिंगल सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड मेगा स्पोर बोले चाहे सिंगल सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक बोले, दोनों एक ही बात है। वो डिपेंड करता है कि हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। मेगा स्पोर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। कब इसको हम कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, अभी उस पर मैं दोबारा आ रहा हूं, लेकिन पहले आपके लिए मैं ये वाला टर्म एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि हम किसको बोल रहे हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, या हाउ वी कैन डिफाइन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियस है ये फ्री है मूव करने के लिए, फ्री है मूव करने के लिए। अगर यहां पे आप देखें तो ऑल दीज एट न्यूक्लियाई कैन मूव हियर एंड देयर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस लार्ज सेंट्रल सेल। जनरली ये सारे के सारे जो न्यूक्लियाई आप तीन बार माइटोसिस के थ्रू बने हुए हैं, दे आर स्क्रोलिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस लार्ज सिंगल सेंट्रल सेल। इस सिंगल सेंट्रल सेल के अंदर ये सारे के सारे आठों के आठों न्यूक्लियाई जो हैं वो रैंडमली हियर एंड देयर मूव करते रहते हैं, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये फ्री है, इस वजह से हम डिवीजन को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहे हैं। या फिर आप इसको दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियस के पास, किसी भी न्यूक्लियस के पास यहाँ पे खुद का डेफिनेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं होगा। डेफिनेट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ना होने के साथ साथ यहाँ पे इनके खुद के कोई पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं कि देयर इज नो इंडिविजुअल सेल फॉर एन इंडिविजुअल न्यूक्लियस। तो किसी एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस के लिए कोई एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर सेल ना होने की वजह से न्यूक्लियस फ्री है टू मूव इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेंट्रल सेल, सो दैट डिवीजन और दिस टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस विल बी डिफाइंड एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इस वजह से इसको हम डिफाइन कर रहे हैं एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस फ्री है, कोई इंडिविजुअल सेल नहीं है किसी इंडिविजुअल न्यूक्लियस के लिए, तो डिवीजन जो है वो कैसा होगा, कैसा माना जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माना जाएगा। लेकिन अब तीसरी बार माइटोसिस होने के बाद, तीसरी बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद यहाँ पे साइटोकाइनेसिस वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी, यानी कि अब यहाँ पे शुरू होने वाला है वॉल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे शुरू होने वाला है वॉल फॉर्मेशन कि एक वॉल फॉर्मेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि एक ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आकर के ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और इसके चारों तरफ यहाँ पे सेल वॉल या मेम्ब्रेन्स वगैरह फॉर्म होने लगेंगी। यानी कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर न्यूक्लियस एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर सेल में ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब ये जाकर के एक डेफिनेट शेप लेगी जिसको हम एक शेल बोल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अब माइटोसिस कंप्लीट होने वाली है, यानी कि इतनी बार कैरियोकाइनेसिस, तीन बार कैरियोकाइनेसिस होने के बाद अब वॉल फॉर्मेशन या साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। तो वॉल फॉर्मेशन कैसा होता है, साइटोकाइनेसिस कैसी होती है, ये प्लांट सेल के डिवीजन का टॉपिक है, तो इसको हम यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करके आपको डायरेक्ट ले चलते हैं कि एक कम्प्लीटली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता होगा, या फिर जब वॉल फॉर्मेशन हो जाता होगा तो एक मैच्योर या फुली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कैसे अपीयर होगा इन देयर स्ट्रक्चर। मतलब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझने वाले हैं एक पर्टिकुलर फुली कंप्लीटली डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का। तो मेरे कहने का मतलब मैं इसके जस्ट बाद वाली स्टेज पे आपको ले चल रहा हूं जब वो कंप्लीटली बन चुका होगा, ना कि कैसे बन रहा है उसको बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो एक बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये सिंगल सेल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड, एक बार माइटोसिस होगी तो सिंगल सेल्ड बाइन्यूक्लिएटेड में, दोबारा माइटोसिस होगी तो सिंगल सेल्ड फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी, और फाइनली तीन बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ पे आ जाएगी सिंगल सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक और डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसके बाद इस पर्टिकुलर स्टेज के बाद वाली स्टेज को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये ब्लू कलर वाली सेल, ये ब्लू कलर वाली सेल यहां पे प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर वाली सेल यहां पे प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन वगैरह हो गई जैसे कि हर एक सेल में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे चारों तरफ आपको जैसा कि इसके पहले वाले स्टेज में ही दिखा था कि साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है इन ऑल प्लांट सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, और टोटल इसमें कितने न्यूक्लियाई है, फोर
इस पोल पे, फोर इस पोल पे। तो यहां पे भी एक पोल पे चार होंगे, एक पोल पे कितने होंगे, चार होंगे। तो हर एक पोल पे यहाँ पे कितने सेल्स न्यूक्लियस होंगे, चार चार न्यूक्लियस होंगे या न्यूक्लियाई होंगे। तो यहाँ पे हम पोल्स को पहले लेबल कर देते हैं, यानी कि इस पोल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पोल को क्या बोलेंगे। तो मैंने आपको जब बताया था कि जो मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में ओव्यूल देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़ा हुआ होगा, जिससे वॉल ऑफ ओवरी से। ये हो गया मीन ओव्यूल या बॉडी ऑफ ओव्यूल। फ्यूनिकल इसको जोड़ेगा किससे, प्लेसेंटा से, और फ्यूनिकल खुद इस बॉडी ऑफ ओव्यूल को जुड़ा होगा हाइलम एक पर्टिकुलर जंक्शन पे। और ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी बहुत सारी न्यूसेलर सेल्स। और मैंने आपको एक कंप्लीट मेगास्पोरेंजियम जब बताया था या ओव्यूल बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, विच इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई मल्टी लेयर्ड न्यूसेलर सेल और न्यूसेलस, एंड न्यूसेलस इटसेल्फ इज सराउंडेड बाई टू प्रोटेक्टिव लेयर, व्हाट इज कॉल्ड एज इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। बट द रीजन वेयर इंटेगुमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इज माइक्रोपाइल। और ये हो गया पूरा बॉडी ऑफ ओव्यूल। अगर इसको हम पूरा कंसीडर कर रहे हैं मीन ओव्यूल या बॉडी ऑफ ओव्यूल, तो एक एंड या पोल ये हो गया, एक एंड या पोल ये हो गया। जिधर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल, एंड जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर पोल देयर विल बी योर चलाजल एंड और चलाजल पोल। और ये बेसल पोल होता है और ऊपर होता है, इस वजह से ऐसे ओव्यूल को हम लोग इन्वर्टेड ओव्यूल या एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। तो ये जो रेड कलर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो रेड कलर वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बाहर, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बाहर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पोल जो है इस स्ट्रक्चर का, ये वाला जो पोल है इसको मैं डिफाइन करूंगा एज चलाजल पोल और चलाजल एंड। तो यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होगा चलाजल पोल और चलाजल एंड। और ये स्ट्रक्चर, ये रेड वाला अगर स्ट्रक्चर है, तो ये पोल, इसका ये पोल हो गया, यानी कि ये चलाजल पोल हो गया। तो ये पोल कौन सा होगा, माइक्रोपाइलर पोल। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं माइक्रोपाइलर पोल, इसको मैंने बोला माइक्रोपाइलर पोल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस स्ट्रक्चर में एक पोल चलाजल पोल है, एक पोल क्या है, माइक्रोपाइलर पोल है। तो इस पे अभी हम थोड़ी देर के बाद आते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रक्चर, इसमें इस पोल पे, यानी कि ये क्या होगा, चलाजल पोल होगा, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, माइक्रोपाइलर पोल होगा। तो पहले हम चलाजल पोल से स्टार्ट करते हैं, हालांकि उल्टा है लेकिन हम उल्टा ही चल रहे हैं शुरू से, तो उल्टा ही पढ़ेंगे। चलाजल पोल पे ये जो चार न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसमें से तीन न्यूक्लियाई में इस तरीके से वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये तीनों न्यूक्लियाई जिसमें वॉल फॉर्मेशन होगा, ये अब एक्ट करेंगी एज इंडिविजुअल सेल, और ये तीनों की तीनों इंडिविजुअल सेल जो है वो इस पोल पे यहाँ आकर के ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, यहाँ पर आकर के ऑर्गेनाइज हो जाएंगी चलाजल पोल पे। तो एक सेल ये हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, एक सेल ये हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे बीच में एक सेल हो गई, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं आउट ऑफ दीज फोर न्यूक्लियाई, तीन न्यूक्लियाई एक सेल में कन्वर्ट हो गई, वॉल फॉर्मेशन हो गया इसमें, और ये तीनों सेल्स आकर के चलाजल पोल पे बैठ गई। और इन तीनों सेल्स को मैं बोल रहा हूं एंटी पोडल सेल्स या एंटीपोडल्स, मैं बोल रहा हूं इनको एंटीपोडल सेल्स और एंटीपोडल्स। तो एंटीपोडल सेल्स का नंबर कितना हो गया, थ्री। तीन एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है कहां पे, चलाजल पोल पे। तो इसको आप मेमोराइज कर सकते हैं, ए सी सबके घर में लगा होगा ऑलमोस्ट मुझे छोड़ के। तो ये ए सी, तो ए फॉर एंटीपोडल्स, सी फॉर एट चलाजल एंड। तो एट चलाजल एंड there are three antipodal cells, तो antipodal cells present होंगी कहाँ पे, चलाजल एंड पे, उसको हम AC से memorize कर सकते हैं। तो चार में से तीन को हमने ठिकाने लगा दिया, एक बचा हुआ है। अब आ जाते हैं micropylar pole पे। तो इस micropylar pole पे दो nuclei पे wall formation हो जाएगा, दो cells बन जाएंगी, और ये जो दो cells हैं, ये जो दो cells हैं वो आकर के इस तरीके से चलाजल एंड पे बैठ जाएंगे। ये इसका न्यूक्लियस हो गया,
और ये इस सेल का न्यूक्लियस हो गया। और ये जो दो सेल्स इस माइक्रोपाइलर एंड पे आकर के ऑर्गेनाइज हो रही हैं, इन दोनों सेल्स को मैं बोल रहा हूं साइनर्जिड सेल्स। साइनर्जिड सेल्स का नंबर कितना है? टू। टू साइनर्जिड सेल्स आर प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पोल एंड दीज टू साइनर्जिड सेल्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स। और इन दोनों साइनर्जिड सेल्स में यहां पे एक बहुत स्पेशल बहुत ब्यूटीफुल थिकनिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से एट माइक्रोपाइलर टिप। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया है साइनर्जिड सेल्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट माइक्रोपाइलर टिप। तो ये माइक्रोपाइलर टिप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो ये माइक्रोपाइल है, तो टिप ऑफ माइक्रोपाइल पे यहाँ पे साइनर्जिड सेल्स में एक स्पेशल टाइप की थिकनिंग आपको दिख रही है एंड सच स्पेशल थिकनिंग्स प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर टिप इन साइनर्जिड्स विल बी टर्म्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। इनको मैं बोल रहा हूं फिलीफॉर्म अपैरेटस। इनको मैं बोल रहा हूं फिलीफॉर्म अपैरेटस। और इन दोनों साइनर्जिड्स के बीच में, इन दोनों साइनर्जिड सेल्स के बीच में यहां पे प्रेजेंट होगी इस कमरे की दुल्हन बैठी होगी। यहां पे साइनर्जिड्स के बीच में इस कमरे में बैठी हुई है दुल्हन, बिल्कुल प्रोटेक्टेड जोन में। और मेरे कहने का मतलब यहाँ पे एक बहुत स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है बिटवीन दीज टू साइनर्जिड्स। और इस स्पेशलाइज्ड सेल को मैं बोल रहा हूँ एग शेल और सिंपली वी कैन से एग और फीमेल गैमेट। ये क्या है? फीमेल गैमेट है। तो दो न्यूक्लियाई दो सेल के फॉर्म में यहाँ पे बैठ गए। इनको हमने क्या बोला? साइनर्जिड्स और साइनर्जिड सेल्स। और साइनर्जिड सेल के बीच में यहाँ पे एक और सेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये अपीयर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एग शेल। ये एग शेल और वी कैन से फीमेल गैमेट। तो अभी यहाँ पे कितने बच गए? एक। इधर कितने बच गए? एक। यानी कि हमने चलाजल पोल पे तीन को ठिकाने लगा दिया है, माइक्रोपाइलर पोल पे भी तीन को ठिकाने लगा दिया है। चलाजल पोल पे हमारे पास एक न्यूक्लियस बचा है और सिमिलरली माइक्रोपाइलर पोल पे एक न्यूक्लियस बचा हुआ है। इतनी बात अगर आपको याद है तो मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ पे स्पेस फ्री करने के लिए। तो दो साइनर्जिड्स, एक सिंगल एग शेल और फीमेल गैमेट। आपको समझ में आ गया होगा कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सेल या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग शेल कैसे बनता है। इस वजह से एग शेल को हम क्या बोलते थे? फीमेल गैमेट या मेगा गैमेट। इस वजह से प्रोसेस को क्या बोलते थे? मेगा गैमेटोजेनेसिस। और इसके डेवलपमेंट को भी क्या बोल रहे हैं? मेगा गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। अभी दो न्यूक्लियस हमारे पास फ्री है, एक इस पोल पे और एक इस पोल पे। यानी कि एक न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट है एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंट समवॉट ओवर हियर। यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि फ्री है, अभी इनका कोई काम हमने नहीं किया है। तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। साइक्लोसिस होती है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि साइक्लोसिस ये रैंडमली मूव करते रहेंगे, फ्री होंगे, हमने कई बार आपको बताया अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और ये न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर पे आ जाएगा। और ये भी चूंकि सेंटर की तरफ मूव कर रहा है तो यहां आ जाएगा और दोनों न्यूक्लियाई आपस में यहां पे आकर के एडजॉइन हो जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन जुड़ भले जा रहे हैं, ये अपनी इंडिविजुअलिटी लूज नहीं कर रहे हैं। यानी कि इनके न्यूक्लियर कंटेंट, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्यूज नहीं कर रहा है, सिर्फ यहां पे फिजिकल फ्यूजन या कॉन्टैक्ट हो रहा है दो न्यूक्लियस का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना आपको। मैं इसको और अच्छी तरीके से और ज्यादा आसान करता हूं आपके लिए। हमने कहा कि एक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस इधर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस सिंगुलर टर्म है, न्यूक्लियाई प्लूरल टर्म है, बार बार मैं शायद गलत हो रहा हूं। तो एक न्यूक्लियस यहां है, एक न्यूक्लियस यहां है। तो ये इधर आया, जब ये इधर मूव कर रहा था तो उसी टाइम ये इधर मूव किया, यानी दोनों आकर के यहाँ पे एक दूसरे से इस तरीके से एडजॉइन हो गए। लेकिन ये एक दूसरे से इस तरीके से नहीं जुड़ रहे हैं कि इनकी इंडिविजुअलिटी लूज हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस भले ही कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं लेकिन इनका न्यूक्लियर कॉन्टेंट जो है वो नहीं फ्यूज हो रहा है। यानी कि सिर्फ यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है, सिर्फ चिपक जा रहे हैं एक दूसरे से दोनों न्यूक्लियाई,
लेकिन इनकी इंडिविजुअलिटी अभी भी मेंटेन है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट क्या नहीं हो रहा है, फ्यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियाई आपस में क्या हो रहे हैं, एडजॉइन हो रहे हैं या फिर फ्यूज हो रहे हैं। फ्यूजन इस तरीके का है कि सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट है, न्यूक्लियर कॉन्टैक्ट नहीं है यहाँ पे, यानी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है। तो दो न्यूक्लियाई आपस में आकर के चिपक भले जाएंगे लेकिन इनकी इंडिविजुअलिटी अभी भी बरकरार है, इंडिविजुअलिटी लूज नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक न्यूक्लियाई चलाजल पोल पे था और एक न्यूक्लियस जो एंटीपोल इधर माइक्रोपाइलर पोल पे था, इन दोनों न्यूक्लियस को मैं बोल रहा हूं पोलर न्यूक्लियाई, इनको मैं बोल रहा हूं पोलर न्यूक्लियाई। और ये पोलर न्यूक्लियाई जो है इस ब्लू कलर वाली सेल के ऑलमोस्ट सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, और इस ब्लू कलर वाली सेल का नाम मैं लिख रहा हूं सेंट्रल सेल। इस सेल को मैंने क्या बोला, सेंट्रल सेल। ये जो लार्ज ब्लू कलर वाली सेल है जिसके अंदर ये सारा ऑर्गेनाइजेशन मैं पढ़ रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं सेंट्रल सेल। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रल सेल देयर आर टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। लेकिन एनसीईआरटी ने बदतमीजी क्या की है आपके साथ, उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए। एनसीईआरटी कह रही है कि पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड एट द आर सिचुएटेड जस्ट बिलो, मैं फिर बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की लैंग्वेज डायरेक्ट, एनसीईआरटी में लिखा है टू पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग अपैरेटस। एग अपैरेटस क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ये दो साइनर्जिड्स और एक एग शेल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिवली या कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस, तो एग अपैरेटस कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल टर्म है कि ये दो साइनर्जिड्स थी, एक एग शेल थी, इन तीनों को मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूटिवली या कलेक्टिवली मैं क्या बोल रहा हूं, एग अपैरेटस बोल रहा हूं। और ये दोनों न्यूक्लियाई को मैं क्या बोल रहा हूं, पोलर न्यूक्लियाई बोल रहा हूं। तो पोलर न्यूक्लियाई और इस ब्लू कलर वाली सेल को क्या बोल रहा हूं, सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल के ऑलमोस्ट सेंटर पे प्रेजेंट होंगे दो पोलर न्यूक्लियाई, और ये क्या है, एग अपैरेटस है पूरा। ये जो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट ये पूरा स्ट्रक्चर है, तीन सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एग अपैरेटस। तो एक सिंपल सी भाषा ये हो सकती है कि पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी तो भाई महान है अपने आप में। और एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखा गया है मैं उसको आपको बता रहा हूं कि टू पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग अपैरेटस, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा बोल रहा है। पोलर न्यूक्लियाई बिलो एग अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं इन द सेंट्रल सेल, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा अबव एग अपैरेटस। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन एग अपैरेटस है, तो एग अपैरेटस के अबव प्रेजेंट है ना पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है बिलो एग अपैरेटस देयर आर टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई बिलो एग अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी कभी गलत नहीं होती है, गलत भी है तो हमारे लिए सही है वो। तो अब इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी में जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा है, ओव्यूल का, वो ऑर्थोट्रोपस जैसा स्ट्रक्चर है, यानी इरेक्ट सीधा बनाया गया है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया है एनसीईआरटी ने, वो यूज किया है एनाट्रोपस ओव्यूल के लिए। देखिए स्ट्रक्चर ओव्यूल का दिया ऑर्थोट्रोपस सीधा इरेक्ट, और एक्सप्लेनेशन दिया उस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के लिए एनाट्रोपस का उल्टा इनवर्टेड। तो कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन होगा, जहां बिलो होगा वहां एबव समझ में आएगा हमको, जो एंटीरियर होगा वो पोस्टीरियर समझ में आएगा, जो अपवर्ड होगा वो डाउनवर्ड समझ में आएगा, तो कंफ्यूजन होगा। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना रखा है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक का, वो यही सिमिलर एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर बना रखा है, यानी कि एनाट्रोपस ओव्यूल का। हमने एनाट्रोपस ओव्यूल का निकाल के आपको दिखाया है, तो यही एग्जैक्ट यही सिमिलर स्ट्रक्चर बना है किसमें, एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में जो एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर है वो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया है किसके लिए, ऑर्थोट्रोपस के लिए। तो ओव्यूल खुद उसने बनाया इरेक्ट,
एक्सप्लेन किया इन्वर्टेड, उल्टा बिल्कुल कंफ्यूजन जबरदस्त। एम्ब्रायो सैक बनाया उसने कैसा, इन्वर्टेड ओव्यूल का, एनाट्रोपस इन्वर्टेड ओव्यूल का। एक्सप्लेनेशन दिया इसके अबाउट इरेक्ट ओव्यूल का यानी कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का, इस वजह से हमको वहां पे उल्टी सीधी बातें दिखती हैं यानी कि कंफ्यूजन होता है जबरदस्त। तो मैंने आपको इस कंफ्यूजन को दूर किया, जस्ट मेक श्योर कि ये जो एम्ब्रायो सैक है ये इन्वर्टेड ओव्यूल का एम्ब्रायो सैक है और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल, जो ऑलमोस्ट 80% या मेजोरिटी ऑफ द प्लांट स्पीसीज या एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में दिखाई देता है, और एनसीईआरटी में भी यही है बना, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो दिया है उसकी लैंग्वेज है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के लिए, शायद जहां तक मुझे समझ में आता है, क्योंकि अगर मैं इसको घुमा देता हूँ सीधा हो जाएगा, और इसको घुमा देता हूँ 180 डिग्री पे तो सीधा हो जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ओव्यूल जो होगा ये ऑर्थोट्रोपस है, इरेक्ट ओव्यूल हो जाएगा। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज ओके है, अब हम इसको जस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब 180 डिग्री पे घुमा दिया जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा एग अपैरेटस, तब मैं बोलूंगा कि पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड जस्ट बिलो द एग अपैरेटस इन द सेंट्रल सेल। तो मुझे लगता है कि ये उल्टा लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो अब ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको मैं बोल रहा हूं कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट और कंप्लीट एम्ब्रायो सैक। तो अब मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बोल रहा हूं कि ये कंप्लीट और वी कैन से फुली डेवलप्ड एम्ब्रायो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, एंड विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट दिस इज अ सिंगल एक्सेल और फीमेल गैमेट, और इस एक्चुअली या फीमेल गैमेट को मैं मेगा गैमेट बोलूंगा, और इसके बनने की प्रोसेस को मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलूंगा। तो ये तो हमारा हो गया एक बहुत बेहतरीन या कह सकते हैं ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट और ऑफ एन एम्ब्रायो सैक। लेकिन ये तो जरूरी है ही हमारे लिए बहुत ज्यादा समझना, लेकिन मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन या इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो कि कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज में आपको।